मुरादाबाद में शासन से तैनात किए गए नोडल अधिकारी 5 दिन के दौरे पर मुरादाबाद पहुंचे। स्पेशल 11 टास्क ग्रुप के मुरादाबाद प्रभारियों ने मंगलवार को सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक ली। प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण से अधिक प्रभावित 11 जनपदों जिनमें मुरादाबाद भी शामिल है पर मुख्यमंत्री की विशेष नज़र है। कोविड-19 से संबंधित व्यवस्थाओं के प्रबंधन के अनुसरण व सुधार के लिए स्पेशल 11 टीम का गठन किया गया था। मुरादाबाद में सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश लखनऊ SBS रंगाराव तथा न्यूरो सर्जरी SGPG IMS लखनऊ के डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव को प्रदेश शासन द्वारा नामित किया गया है। संक्रमण की रोकथाम तथा प्रभावित मरीजों के उपचार हेतु स्थापित किए गए L1, L2, L3 स्तर की कोविड-19 चिकित्सालय तथा इमरजेंसी आदि सेवाओं को प्रबंधन एवं अन्य व्यवस्थाओं का अनुसरण करने के लिए मंगलवार को सर्किट हाउस में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुरादाबाद में कोरोना संक्रमितों के बढ़ते हुए केसेस पर मंथन किया गया। इस साइकिल को ब्रेक करने की रणनीति पर विचार किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केसेस के लिए दिल्ली की आवाजाही को जिम्मेदार माना गया। समीक्षा बैठक में जिला अधिकारी राकेश कुमार के साथ स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। ये जो कोविड-19 की समस्या बहुत तेज़ी से जो कुछ जगहों पर कुछ जनपदों में जो बढ़ रही है उसको लेकर उत्तर प्रदेश शासन अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है। उस कमेटी का नाम है स्पेशल 11 टास्क ग्रुप। उस 11 टास्क ग्रुप में 11 जनपदों में एक सीनियर IAS ऑफिसर और एक सीनियर प्रोफेसर जो KGMC या SGPGI की तरफ से नामांकित किए गए हैं और उनको उन जनपदों में विशेष कर भेजा गया है जिससे कि वो ये समझने की कोशिश करें कि वहाँ पे इस समस्या का इस साइकिल को कैसे ब्रेक किया जाए, पहला चीज़। और दूसरा जो इससे जो मृत्यु दर है उसको कैसे कम किया जाए, कहाँ कहाँ किस तरह के अवरोध आ रहे हैं, क्या समस्या आ रही हैं, उसके निवारण के लिए इस टीम का गठन किया गया है। और इस टीम का काम है कि यहाँ पे जब तक उन्हें लगे कि ये चीज़ उन्होंने अच्छे से एड्रेस करके और इसको शासन को अच्छे से बता के इस पर कुछ हम प्रतिक्रिया ले सकते हैं तब तक के लिए ये टीम यहीं पर इस जनपद में रहेगी। सर, दूसरा लगातार मुरादाबाद में भी पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं, क्या उसके लिए कोई प्लानिंग है? जी बिल्कुल, उसी प्लानिंग के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अगर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे इन्फेक्शन के रेट और पॉजिटिविटी के रेट बढ़े हैं और उसका कारण भी है बहुत ऑब्वियस है जो आप लोग समझ रहे होंगे कि पहला दर जो बढ़ा था वो तबलीगी के समय में जब इन्फेक्शन बढ़ा था तब बढ़ा था। दूसरा अब आ रहा है जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आवागमन जो है दिल्ली से जब हमारा फ्री हो गया है और वहाँ पर इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से ये सेकेंड पीक आया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो इसको कम करने के लिए हम लोगों ने आज मीटिंग में बहुत सारे विषयों पे चर्चा की है, बहुत सारे विषयों को नामांकित और हाईलाइट किया है और उस पर हम काम करेंगे। और ये सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव है, लेकिन आप मीडिया वालों की तरफ से हम लोग शासन की तरफ से बहुत रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप ये मैसेज हम लोगों की तरफ से ज़रूर दें कि लॉकडाउन तो खुल गया है लेकिन लॉकडाउन खुलने का जो एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है और इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से जो बढ़ रहा है उसमें हमारी जनता ही हमें सहयोग कर सकती है। और जनता कैसे सहयोग कर सकती है, 5 साल से कम के लोग, 55 साल से ज़्यादा के लोग अपनी एक्टिविटीज़ को अपने मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट रखें। अभी जिनको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, कैंसर, डायलिसिस या किडनी संबंधित बीमारी है जिसमें कुछ ऐसी दवाइयां खा रहे हैं जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही कम है, वो लोग कृपया करके अपने घर से ना निकले, आइसोलेशन का, सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का और हैंड सैनिटाइजेशन वगैरह का पालन करें। तीसरा, दुकानें खुल गई हैं और सबको लग रहा है जैसे कि अब हमें ये चीज़ खरीदना है वो चीज़ खरीदना है, तो हमारी ये अपील है कि देखिए इतने दिन आपने लॉकडाउन में इतने अच्छे से सरकार का सहयोग किया तो खुले लॉकडाउन में भी सहयोग करें, केवल बहुत ज़रूरत के सामान के लिए निकले, ग्रुप में ना निकले, अकेले निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के निकले और हैंड सैनिटाइजेशन का पालन करें। क्योंकि ये जो तीसरा पीक आया है ये पीक इसलिए आया है कि जो लॉकडाउन खुलने के तुरंत बाद जो हम लोगों ने जनता ने लिबर्टी ली है और वो लिबर्टी जो है बहुत भारी पड़ रही है, वो आप मीडिया के लोग ही हम लोग को उसमें मदद कर पाएंगे, जनता की मदद कर पाएंगे।